हमारे पापा जी का मकान है जी। देखो भाई अभी बनाया इन्होंने, इधर से देख लो कितना तकड़ा मकान बना दिया। वो तो बहुत पापा जी, कितना समय लग गया था तैयार होने में? 3 साल लग गए। अब कंप्लीट हो गया है पूरा? ये देख लो कितना ठाड़ा जी। ये देखो भाई, ये भैंस भी है। ये कौन सी नस्ल है जी गाय की? देसी। ये दूध वगैरह कितना दे रहा है जैसे? 8-9 किलो लीटर। और देखो भाई, खोर कितनी बढ़िया बना रखी। ये कहाँ से लिए थे अपने बैल? एक तो नंगोरी नस्ल है। हाँ जी, हरियाणा नस्ल है। अच्छा, यो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल किसान योद्धा में। ठीक है, और भाइयों आज हम पहुँचे हैं ग्राम बलवा में, और एक रामदास जी हैं, उनके पास पुरानी खट्टे हैं और उन्होंने कोठी बनाई बहुत ही सुंदर। ठीक है, सारी कवरेज करके दिखाऊंगा वीडियो के माध्यम से। ये देख लो भाई, बहुत ही सुंदर कोठी है। ठीक है, और इनसे मिलवाया जाएगा आपको। और अच्छा, नमस्कार भैया। ये देखो भैया, इधर से बहुत ही सुंदर है जी। और हैरो ये सब तो कटवा रहे हैं, ट्रैक्टर चला जी, तेल निकलवा रहे हैं, तेल निकलवा रहे हैं जी। ये देख लो भाई, अगला जी बैग ट्रैक्टर वगैरह बहुत है जी। ये कभी पहले ही, और बैल वगैरह बहुत है जिनके भाइयों, किसानों बैठा ठोका और खाट। ठीक है, ये देखो भाई, होक्का चल रहा जी बैठक में। उधर साइड से वहाँ पे सामने बैल है नागौरी नस्ल के, जो कि नागौर से लिए थे। देखो बहुत ही बढ़िया जोड़ी है जी। ठीक है जी, खेती में बढ़िया काम करते हो अंकल जी, हैं? हाँ। देखो भाइयों, इधर से मैं आपको दिखा दूँ। ये देखो कितने सुंदर जोड़ी है जी। ठीक है, और इधर साइड मैंने कहा ये मकान हो गया। दोस्तों अंकल जी के बैल हैं और इन्होंने नागौर से लिए थे। ठीक है, ये देखो भाई कितनी सुंदर जोड़ी है जी। ठीक है जी, बहुत ही शुद्ध बैल है। नहीं, हमने तो ऐसे बैल भी देखे भाई, टक्कर मारा है। ये देखो भाई कितने बढ़िया बैल है जी, और काम पूरा करा है जी खेती में। अंकल जी बढ़िया काम करते होंगे खेती में, तो बढ़िया काम करते होंगे। देखो भाई, अच्छा देखो भाई, बढ़िया जोड़ी है जी। और इधर साइड में मुर्रा नस्ल की झोटी है देखो भाई, और इधर ये इनका मकान हो गया जी। ये देखो भाई कितना ठाड़ा मकान है। ठीक है जी, जस्ट इधर साइड में गाय हैं। ये देखो भाई, ठीक है जी, ऐसे ऐसे ये देखो। ठीक है जी, देखो भाई इधर से बहुत ही सुंदर मकान है जी, ठाड़ा मकान है जी। किसान भाइयों, मैं आपको थोड़ा सा ऊपर से दिखाता हूँ। अंकल जी बता रहे कि ऊपर से पूरा गांव चमक जा, एक बार दिखाऊंगे आपको। ठीक है, तो दोस्तों आज इनके घर पे पहुँचे हैं हम, और आपको दिखाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है जी, काफ़ी बड़ा मकान है, और ये देख सकते हो दोस्तों इधर साइड में मुर्रा नस्ल की भैंसें हैं जी। ये देखो भाई, पशु भी देखने लायक है भाइयों। ठीक है, आ जाओ बेटा, चलो ऊपर को, चलो सारे के सारे आओगे वीडियो में। चलो देखो दोस्तों, आ जाओ तुम भी। अच्छा, ये देखो क्या क्या नाम है आपके सबके, क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम तो अयू है। अच्छा, और आपका? और आपका बेटा? अंशु। और आपका? और आपका? अच्छा, ये दादाजी जैसी खट्टे हैं पूरे क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में नंबर 1 पे है। अच्छा अच्छा, तो कह रहे डाल की दुनिया में नहीं पाने की। अरे वो बकरी बराबरी करे कोई भाई, बड़ी ऊंचाई पे मकान बना रखा, ऊंचाई पे मकान है, 4 मंजिला मकान है भाइयों। ये देख सकते हैं, यहाँ से तो पूरा गांव चमक जाता होगा बेटा, पूरा दिख जा। और 3 मंजिल और है भाइयों। ये देख लो भाइयों, क्योंकि बहुत बड़ा गांव दिखा बेटा तुम्हारा, बहुत बड़ा। ऊपर से दिखाएंगे फिर आपको, अंदर से भी दिखाएंगे। कितने कमरे होंगे बेटा टोटल, कितने कमरे इसमें? 18 गिन रखे आपने, हो गए 20। आपके 20 हुए तो दिखाना ये वाला कमरा कैसा। अच्छा, तो वैसे ही वॉशिंग मशीन रखी है, ये है कमरा है ना। ये देखो भाई, ये है अच्छा, तुम्हारी किताब है इसमें, ये कमरा है बेटा तो ये बार। अच्छा देखो भाइयों, बड़ी ऊंचाई पे तो मकान बना रखा भाइयों। ठीक है, अच्छा तो खाट बहुत कम उठा लो, सारे मिल गए खाट उठा लो, वे उठा लोगे सारे मिल गए। चलो ऊपर को, डर नहीं लगता इतना ऊंचाई पे मकान बन रहा, चलो नहीं लगता मुझे तो भाइयों, डर सा लग रहा ऊपर को चलते हुए। अच्छा, तो दोस्तों बड़े चंट है लड़के,
और ये देखो भाइयों ऊपर ही आ गए बिल्कुल। ठीक है जी, यहाँ से तो पूरा गांव चमक रहा भाई। ठीक है, एक और मंजिल कहाँ है? ये और ही देखो भाई, टंकी ऐसे तो ये देखो भाई, बाईपास भी चमक रहा है। ऐसे तो पूरे गांव गांव ही चमक रहा है, शहर पूरा शामली शहर है। देखो भाई मील भी चमक रहा है। अच्छा, क्या नाम है बेटा आपका? अच्छा गुजरियो, गुजरियो। अच्छा कौन से को होता है तुम्हारा? चौहान। अच्छा, कौन कौन सी क्लास में पढ़ करो तुम? अच्छा, और तुम? अच्छा तुम चौथी में। पढ़ने में कौन होशियार है? अच्छा दोनों होशियार है। फर्स्ट किसके, फर्स्ट किसका है? नंबर फर्स्ट इसकी आवा फर्स्ट। ये देखो भाई, तुम कौन सी क्लास में बैठे? नाइन्थ में। अच्छा, यहाँ से तो पूरा गांव चमक रहा है। और खेत किंग है तो थारे खेत भी चमक जाते हैं। कहाँ थारे खेत? उनके पर है। अच्छा पिंडो से पर है। इससे तकड़ा मकान थोड़ी होगा भैया गांव में, या है? इससे तकड़ा नहीं है। अच्छा दोस्तों, मुझे तो नहीं लग रहा इससे तकड़ा मकान हो, क्योंकि सबके छोटे छोटे घर दिख रहे हैं। देख लो भाईयो, इतना बड़ा मकान नहीं भाईयो। ये देखो भाई कितने ठड़े ठड़े में। अजी टावर भी बहुत लंबा था इनका तो। अच्छा टावर भी लंबा था, काम में सम्मा लंबा टावर था। अच्छा अच्छा, ये देखो भाइयों। और कहाँ कहाँ जाते हो? शामली जाते हो सारे पढ़ने? अच्छा, अच्छा उधर है स्कूल। देखो भाई, कितने साल में तैयार होगा बेटा? कितने साल लग गए? चार पाँच साल तो लग गए होंगे। 4.5 साल में तैयार हुआ। अभी भी पत्थर वगैरह लगना बाकी है ना दोस्तों? अच्छा वो पुल खड़ा होगा। अच्छा अच्छा तो दोस्तों, अच्छा गुज्जर लिखा जाएगा। अच्छा ये बड़े प्रधान जी हैं। अच्छा गुज्जर लिखा जाएगा, गुज्जर भवन है। अच्छा देखो भाई, गुज्जर भवन लिखवाओगे इस पे। अच्छा ये देखो भाइयों, और अब चलते हैं नीचे की तरफ। आ जा बेटा। तो दोस्तों अब चलते हैं, आपको नीचे से दिखाएंगे सारा मकान कवरेज करके, जितना बहुत ऊंचाई पे बने हुए होंगे। अब तो इसमें रेलिंग भी लगेगी बेटा, है ना? अच्छा अब तो ये देखो दोस्तों, ये कौन सा है प्रधान जी? कौन सा है प्रधान जी? बता दे, ये प्रधान जी। अच्छा ये देखो भाइयों, कमरे देखो कितने बढ़िया बढ़िया बना रखे हैं जी, और सारे ये मुझे कवरेज करा रहे हैं सारे के। अच्छा ट्री यहाँ भी लग रही है, ये कमरे दिखाना बेटा, इसमें है तो नहीं कोई? अच्छा लग रही है। अच्छा दिखा दे, थोड़ा दिखा दे, एक रूम दिखा दे। ये देखो भाई, ये कमरे इस प्रकार के बने हुए हैं। ठीक है जी, बहुत ही सुंदर कमरे हैं। और ये आपके पिता पापा जी हैं ना? नमस्कार अंकल जी। मगर किसानी हो? कौन किसानी है? कच्चे वाले पक्के वाले? नहीं पक्के किसान है। पक्के? हाँ। वो खेती बाड़ी बिल्कुल बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। हाँ, ये देखो साइड में फैमिली रहती है इनकी। ठीक है जी, ये देखो भाई, तो कितना परिवार है बेटा? तुम तो आई नहीं रहे, बताओ कितने लोगों का परिवार है आपका? है 24 आदमियों का परिवार आपका, है ना? अच्छा ये देखो भाइयों, और हम तो शोर से ये काम ना करेंगे, ये लड़के जो भी है अपना कामयाब हुआ है इन फ्यूचर में। भाइयों बहुत ही सुंदर बना रखा है, अभी तो इसमें काम रह रहा बेटा, है ना? ये देखो। अच्छा ये देखो दोस्तों, उधर साइड से देख लो, बहुत ही सुंदर है। ये देखो भाइयों, ठीक है जी, ये खाट तो उठे ना जी किसी पे जी है? नहीं खाट कहाँ उठे हैं। अच्छा पूरे क्षेत्र में नहीं होगी ऐसी? पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो है नहीं ऐसी खाट? यहाँ खैर वो तो लंबा इतना जो कह रहे हैं तो इतनी दूर तक है ही नहीं है। है ही नहीं है। अच्छा मैं ये बात करूँ जी, पशुधन तो पहले बहुत होंगे तुम्हारे पास, भैंस वगैरह? हाँ अभी तो कम होगी। अच्छा घोड़ी वोड़ी भी है रही तुम्हारी याद में बेटा? नहीं रखी, बस एक बल्ले। अच्छा बच्ची लिया था, तो देखो भाई। अच्छा कुत्ता लाओगे? अच्छा डबल कोट लाओगे? ये देखो भाई, इधर से ये नागौरी नस्ल के बैल है जो हमने दिखाए। और देखो भाई कितना बढ़िया है जी, इधर से देखो भाई। ठीक है जी, इधर से देख लो, इनकी भैंसें हैं जी सारी की सारी हमने दिखाई। और ये अंकल जी हमारे साथ में, और बच्चा पार्टी सारी गैर में है। टक्कर मारता होगा जी, हैं? क्या मारा है? अच्छी है। देखो भाई दोनों जोड़ी बहुत ही बढ़िया जी, और पहले भी रखे जी ऐसे बैल इन्होंने। ठीक है जी, ये देखो भाई नागौर से लाए थे बैल। ठीक है देखो भाई, बढ़िया जोड़ी है जी। देखो भाई, और देखो देखो कितना बढ़िया जी बैल, देखो नहीं हमने तो ऐसे बैल देख के टक्कर भी मार दिया, शुद्धा बैल है बिल्कुल। ठीक है देखो भाई, काम पूरा बढ़िया करता होगा जी, हैं? लाद भी नहीं मारता ही। अच्छा भैंस भी बढ़िया सारी हैं? देखो भाई 15+ है सारी। सॉरी 15+ ऊपर? अच्छा तो भैंसों का शौक तो बब्बा जी को थी पहले से, है ना भैया? अच्छा ये देखो भाइयों,
इधर से देख सकते हैं। और आज हमारे सबसे बड़े भाई अपना किसान है, खेती बाड़ी करते हैं। कच्चे किसान है, पक्के 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 किसान पक्के है, बिल्कुल है। इधर भाई पक्के वाले हैं जी। वो और भैंसे तो बहुत ही थी इनके, और अब थोड़ी बहुत ही रख रखी, पहले बहुत थी। तो भाई ये बहुत ही अच्छा लगा। ट्रैक्टर एक है भैया, दो है? तीन ट्रैक्टर है। अच्छा दो है। अच्छा अच्छा, एक खेत पर गया। यो गधी पहला तुम्हारा है? हाँ जी पहले है। यो भी बढ़े बना रखा भाई। ये बब्बा जी ने बनवाया था अपने दिमाग से। सन 50 के जी। अच्छा तो दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा हमें, और बहुत ही अच्छी फैमिली लगी। ठीक है, ये देखो भाई फोटो ले लो इसका। हमारे बब्बा जी का मकान है जी। देखो भाई अभी बनाया इन्होंने, इधर से देख लो कितना तकड़ा मकान बना दिया। वो तो बहुत बब्बा जी, कितना समय लग गया था सर तैयार होने में? 3 साल लग गए। अब कंप्लीट हो गया पूरा? अच्छा, ये बैल वगैरह ये कहाँ से ले रखे? आ जाओ एक मिनट को आ जाओ। तो दोस्तों इधर से हम आपको दिखाएंगे बब्बा जी हमारे गैल में। और ये नागौरी नस्ल के बैल है भाई हो, ये देख लो। और ये मकान देखो कितना ठाड़ा मकान बना रखा भाई हो। ठीक है, ये देखो बहुत ही सुंदर मकान है। कितना मंजिल है जी? 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिला मकान है भाई हो। ये देख लो कितना ठाड़ा जी। ये देखो भाई हो, ये भैंस भी है। ये कौन सी नस्ल है जी गाय की? देसी। ये दूध वगैरह कितना दे रहा है जैसे? 8-9 किलो लीटर। और देखो भाई हो खोर कितनी बढ़िया बना रखी। नंगोरी नस्ल है। हाँ जी हरियाणा नस्ल है। अच्छा, अब पहले घोड़ी घोड़ी भी रखी जैसे? पहले रखी थी। अच्छा, ये बैलों का शौक तो कभी पहले से होगा जी? हाँ। अच्छा देखो भाई बैलों का शौक कभी पहले से ही है। ठीक है जी, ये देखो भाई टक्कर थोड़ी मारते होंगे। ये मारा है? ये मारा है। अच्छा, उधर साइड में जो है वो सिद्धा बैल है। देखो भाई इधर से देख लो भाई, वो भैंस भी देखने लायक है। तो ये भैंस तो बाबा जी हरियाणा से ली होगी आपने ना? यो हरियाणा की। अच्छा, तो पहले कितने पशु थे और आप कितने जी? पहले कितने थे? पहले तो चौके हो गए। अच्छा, पहले होगी कम से कम 30-35 भैंसे हैं। अच्छा देखो भाई 30 भैंस पहले थी, और अब तो वो थोड़े बहुत ही रख रखे क्योंकि भाई करने वाला नहीं है कोई। 5-6। अच्छा 5-6 हैं। देखो भाई अभी भी 5-6 हैं। तो कितने कितने लीटर दूध है बब्बा जी के नीचे, थोड़ा सा ये बताओ भाई। तो ये अब यही 15-16 किलो दूध देते हैं। 15-16 लीटर? देखो भाई 15-16 लीटर है। तो मुर्रा नस्ल की जी? ये देखो भाई, तो ये डंगर तो आपने हरियाणा परियाणा से लिए होंगे जी बब्बा जी? अच्छा ये देखो भाई, देखो भाई ये ठक्कर ना मार दे कभी। ये देखो भाई थोड़ा सा मैं आपको इधर से दिखा दूँ। देखो भाई ये भी हरियाणा से ली थी जी? हरियाणा। देखो भाई ये भी हरियाणा की है जी। ये देखो कितनी बढ़िया भैंस है जी। खड़ी करियो ना, थोड़ा सा दिखाइए एक बार हमारे किसान भाइयों को। ये देख लो भाई कितनी सुंदर जोड़ी है जी बैलों की। और ये देखो भाई, ठीक है ये भी कम से कम दे देती होगी अंकल जी 13-14, तो ये भी देती होगी? देखो भाई ये भी 15-16 दे दे। और बढ़िया भैंस है जी भाइयों, एक बार ले लो भैंस। और भाइयों फिर लेने की ज़रूरत नहीं घर में। हम तो ये कह रहे हैं अपने किसान भाइयों को, भाइयों अगर भैंस लाओ तो या आप या हरियाणा से लो या फिर राजस्थान से, हर जगह। अच्छा देखो भाई थोड़ा सा चौक रहेंगे को, टक्कर ना मार दे। अच्छा ये वाली कितने देनी? 10-15 दिन। अच्छा 10-15 दिन में ब्याह लेगी भैंस? भाई सीधे है बिल्कुल। तो निहार वगैरह कौन कर रहा है जिनका? नौकर वगैरह रखे होंगे? नौकर नहीं है जी। अच्छा अपने आप ही लिखाड़ो दूध वगैरह इनका? देखो भाई बब्बा जी बता रहे कि अपने आप ही लिखाड़ते हैं जी। ठीक है, और ये अंकल जी की भैंस से है, इनसे पहले बहुत सारी भैंस थी इनके पास में। ठीक है, और ये एक बैल है जी नागौरी नस्ल की। देखो भाई ठीक है, ये पहले से ही है या दूसरी बार लिए जी? अच्छा देखो भाई, और आज हम आए थे बब्बा जी के मकान पे। टक्कर देखो भाई, हाँ ये डरा है, सोचे डॉक्टर समझ रहे। ये देखो भाई, ये देखो भाई बब्बा। अच्छा लिफ्ट लगेगी इसमें? ये भाई लिफ्ट बता रहे बब्बा जी। ठीक है, ये देखो दोस्तों, तो भाई चलो एक बार दोस्तों इनकी जो खाटे हैं वो दिखाते हैं। ठीक है, ये देखो भाई सारा बच्चा पार्टी यही है। हाँ, ये कुतुब मीनार है, ये होका है। अच्छा ये भारत का झंडा है। अच्छा ये देखो भाई, ये सबके नाम लिख रहे हैं। देखो भाई चंदे के 6 रुपए लग रहे हैं जी। चौहान है जी, ये चौहान लिख रहा है भाई, चौहान लिख रहा है जी। ठीक है, ये देखो भाई और ये चंदे के रुपए लग रहे हैं। ये देखो भाई सारे बच्चे हैं बता रहे हैं ये चंदे के रुपए। तुम खा लोगे सारे मिल गए? खा के देखो, ये देखो बैठ। हाँ बेटा
अच्छा ये बहुत साल पुरानी कुर्सी है। अच्छा इस पे बब्बा जी बैठते थे तुम्हारे? हाँ जी। अच्छा ये बब्बा जी बैठते थे इस पे जी कुर्सी पे? ठीक बहुत साल पुरानी कुर्सी है जी ये। ठीक है ये देखो भाई बब्बा जी का क्या नाम है याद है आपके? उधम सिंह नंबरदार लिख रहा हूँ। अच्छा ये आपके बब्बा जी के नाम लिख रहा है ना? हाँ जी। देखो भाई ये बब्बा चौधरी कुदल सिंह लंबदार। अच्छा ये चांदी के सिक्के है बेटा? हाँ जी। देखो भाई ये चांदी के सिक्के हैं कभी पहले ये बब्बा जी ने लगवाए होंगे सारे? हाँ जी। अच्छा चांदी के सिक्कों की बनी खाट है भाई? खाट हो गए इतनी मजबूत खाट है ना। अच्छा देखो भाई इन्हीं तरह बब्बा जी बैठते थे इनके और ये खाटे देख लो भाई। ठीक है जी इन्होंने मुझे दिखाई ये खाटे और इन पर नाम भी लिखा हुआ है भारत का नक्शा कुतुब मीनार सब है इन पर। ठीक है दोस्तों अब चलते हैं इनके खेत पर और हम आपको इनके चक भी दिखाएंगे। ठीक है भाइयों और ये देखो भाइयों ये ग्राम बलवा है और अब लेके चलता हूँ खेत पर जी। ठीक है ये देखो दोस्तों काफ़ी बड़ा गांव है भाइयों। ठीक है ये झोड़ है ये देखो ये सामने टंकी है जी गाँव की। तो चलते हैं आपको दिखाते हैं इनके खेत इनके चक। ठीक है भाई बहुत ही वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है इधर भाई मज़ा बांध दिया जी। ये तो भाई